गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल रीड 12th क्लास विस्टाज चैप्टर फर्स्ट द टाइगर किंग। टाइगर किंग इज ए वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी रिटन बाय काल्की। दिस इज ए इमेजिनरी स्टोरी। It revolves around a king whose death at the hand of a tiger had been foretold by astrologer when he was born। ये कहानी है एक राजा की, जो कि ज्योतिषियों ने उसे ये घोषणा कर दी थी कि इस राजा की मृत्यु टाइगर के हाथों होनी है। ही ट्राई टू रिवर्स द फेट स्पेल आउट फॉर हिम। वह भविष्यवाणी को झूठा करने की काफ़ी कोशिश किया, बट लास्ट किंग्स अटेम्प्ट्स प्रूव फ्यूटाइल। लेकिन अंत में राजा का जो प्रयास है वह व्यर्थ मालूम होता है। द स्टोरी बिगिंस व्हेन महाराजा जिलानी जंग बहादुर वाज बर्न। दिस इज द नेम ऑफ टाइगर किंग। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाई महाराजा जिलानी जंग बहादुर कॉल्ड द टाइगर किंग। दिस इज रीजन दैट जिलानी जंग बहादुर द किंग ऑफ प्रतिबंधपुरम इज नोन एज द टाइगर किंग। एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ द एस्ट्रोलॉजर डिक्लेयर्ड दैट द प्रिंस वुड हैव टू डाई वन डे। द 10-day टोल्ड प्रिंस। जब भविष्यवाणी हुई कि राजा टाइगर के द्वारा मारा जाएगा तो एक अद्भुत चमत्कार हुआ। द 10-day ओल्ड प्रिंस आस्क द एस्ट्रोलॉजर। 10 दिन का छोटा सा प्रिंस एस्ट्रोलॉजर से पूछा टू रिवील द मैनर ऑफ हिज डेथ। कहा कि ठीक है, इस दुनिया में जो भी आया है वह तो एक किसी न किसी दिन मरता ही है, फिर भी ये बताइए कि किस तरह मेरी मृत्यु होगी। द वाइज मैन वर बैफल्ड एट हिज मिराकल। लेकिन उस छोटे से लड़के की आवाज़ सुन करके वह ज्योतिषी बहुत आश्चर्य में था। द चीफ एस्ट्रोलर सेड दैट हिज डेथ वुड कम फ्रॉम अ टाइगर। द यंग प्रिंस ग्राउल्ड एंड अटर्ड टेरिफाइंग वर्ड्स। जब राजा इस बात को सुना तो बहुत गर्जना के साथ कहा लेट टाइगर्स बवेर। कहा कि टाइगर अब सावधान हो जाओ। ही डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर्स। वह 100 टाइगर मारने का निश्चय करता है। ही दस गो टू द नेम टाइगर किंग। इस प्रकार उसका नाम टाइगर किंग रखा गया। महाराजा ग्रीव स्ट्रॉन्गर एंड टुक टू टाइगर हंटिंग। जैसे राजा बड़ा हुआ वह टाइगर का शिकार करना शुरू किया। ही वाज ओवरजॉय व्हेन ही किल्ड द फर्स्ट टाइगर। जब वह प्रथम टाइगर को मार दिया बहुत खुश हुआ। व्हेन ही टोल्ड द चीफ एस्ट्रोलॉजर अबाउट इट। जब वह ज्योतिषी के बारे में इसके बारे में बताया। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टोल्ड हिम दैट ही मे किल 99 टाइगर्स। कहा कि महाराज आप 99 टाइगर्स को मार सकते हो, बट ही मस्ट बी केयरफुल विथ द 101।
लेकिन ध्यान रखना, जब 100 टाइगर का आप मारने की कोशिश करोगे तो उसमें सावधान रखना, सावधानी रखना। इन 10 ईयर ही किल्ड 70 टाइगर्स। राजा 10 साल में ही 70 टाइगर्स को मार डाला। ही बैंड द किलिंग ऑफ द टाइगर सिंस प्रतिबंधपुरम। जब उसके राज्य में टाइगर की संख्या कम हो गई तो वह अपने राज्य में प्रतिबंध लगा दिया कि कोई दूसरा व्यक्ति टाइगर का शिकार नहीं करेगा। द टाइगर पॉपुलेशन हैड बिकम एक्सटिंक्ट एट प्रतिबंधपुरम। टाइगर की संख्या बहुत कम हो गई। सो द महाराजा मैरिड इनटू ए रॉयल फैमिली इन ए स्टेट वेदर टाइगर पॉपुलेशन वाज हाई। इसलिए महाराजा ने एक ऐसे स्टेट की राजकुमारी से शादी करने का निश्चय किया जहाँ पर उस राज्य जिस राज्य में टाइगर की जनसंख्या अच्छी हो, उसने शादी किया। दस ही किल्ड 99 टाइगर्स बट वन वाज स्टिल लेफ्ट। इस प्रकार वह 99 टाइगर का वध कर दिया लेकिन एक बच गया था। देयर वॉज नो साइन ऑफ द टाइगर्स एनीवेयर। पूरे अपने राज्य में चारों तरफ टाइगर की कोशिश की लेकिन नहीं मिला। महाराजा कुड नॉट बियर दिस एनी मोर। राजा बहुत परेशान हुआ। ही रेज द लैंड टैक्स एंड ऑल्सो डिसमिस वन ऑफ हिज मैन। राजा ने गुस्से में अपने प्रजाजनों से कह दिया था कि आप लोग किसी तरह एक टाइगर की और व्यवस्था करो। इसके लिए राजा ने राज्य में रहने वाले लोगों के ऊपर बहुत से टैक्स लागू कर दिया और वह अपने आदमी कई लोगों को, बुद्धिजीवी लोगों को हटा भी दिया क्योंकि वे टाइगर कहीं से भी ढूंढ पाने में असमर्थ हो रहे थे। लाइटर ए टाइगर वाज ब्रॉट फॉर द महाराजा। बाद में किसी तरह महाराजा के पास एक बूढ़ा सा टाइगर लाया गया। महाराजा टूक हिज मैन फॉर हंटिंग। महाराजा अपने लोगों के साथ लेकर के शिकार करने चला। ही शूट द टाइगर बट मिस्ड इट। वो टाइगर को शूट किया लेकिन टाइगर बच गया। सिंस द टाइगर फेंटेड ऑन द हियरिंग द शॉट। जैसे कि हम जानते हैं वह टाइगर बहुत ही बूढ़ा हो चुका था। वह राजा की गोली की आवाज़ सुनकर बेहोश हो गया। द महाराजा डिड नॉट रियलाइज दैट ही हैड नॉट किल्ड द टाइगर। राजा को पता नहीं चला वो मेरे गोली से नहीं मरा है। महाराजा मैन न्यू इट बट दे फियर दैट इफ दे टेल इट टू महाराजा। लेकिन ये बात महाराजा के लोगों को पता था कि वह टाइगर जो है महाराजा के गोली द्वारा नहीं मारा गया, वो तो उनकी आवाज़ सुन करके बेहोश हो गया। देन दे मे लूज देयर जॉब सो दे किल द टाइगर। और महाराजा के आदमियों का डर था कि अगर मैं इस सत्य कहानी को बताऊं तो शायद महाराजा मुझे नौकरी से निकाल दें। बट द महाराजा डिड नॉट नो दैट ही स्टिल हैड वन टाइगर लेफ्ट टू किल। इस तरह से महाराजा के दरबारियों ने, मंत्रियों ने उसे इस बात को छिपाए रखे। फ्री फ्रॉम द थ्रेट ऑफ द इमिनेंट डेथ द महाराजा हैड नाउ डिसाइडेड टू सेलिब्रेट हिज 3 ईयर्स ओल्ड सन्स बर्थडे। एक दिन की बात है कि जब महाराजा 100 टाइगर का वध कर चुका था तो वह बहुत खुश हुआ और अपने 3 साल के बच्चे का जन्मदिन मनाने में व्यस्त था। ही गिफ्ट ए वुडन टाइगर। वह अपने लड़के को वुडन टाइगर दिया। द टाइगर वॉज मेड बाई एन अनस्किल्ड मैन। चूँकि वह टाइगर लकड़ी का बना हुआ गया था, वह ठीक से साफ नहीं किया गया था। इट सरफेस वॉज द रफ। एज अ रिजल्ट स्प्लिंटर पायर्स इन टू महाराजा हैंड्स। जैसे महाराजा को दिया तो महाराजा के हाथ में उसकी एक किल चुभ गई जो कि महाराजा अपने लड़के के लिए गिफ्ट दिया था।
द इन्फेक्शन स्प्रेड इन टू हिज होल हैंड एंड द महाराजा डाइड। और उसके शरीर में, महाराजा के शरीर में इन्फेक्शन हुआ और इस तरह महाराजा मर गया। दस आयरनिकली द फेटफुल हैंडेड टाइगर दो ए वुडन वन वॉज द कॉज ऑफ द महाराजा डेथ एंड द प्रूव द प्रिडिक्शन ऑफ द एस्ट्रोलॉजर करेक्ट। इस तरह से जो ज्योतिष की भविष्यवाणी की गई थी कि महाराजा का मृत्यु का कारण टाइगर बनेगा और अंत में वह इसका टाइगर कारण बना।